हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेकन ऑनलाइन क्लासेस। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आने वाला है उसके जो सेशंस तैयार हुए हैं उसके कुछ क्लिपिंग्स आज के सेशन में हम आपके सामने लेकर आए हैं। और सारा का सारा कोर्स मटेरियल इज रेडी विथ अस नाउ, सो इफ यू वांट द कोर्स मटेरियल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन प्लीज गो टू अवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट rcaonline.in पर आप जाकर इस कोर्स के बारे में आप डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। लेट अस सी द क्लिपिंग्स ऑफ वीडियो। ये कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन बोलते हैं क्योंकि दो कोन्स एक के ऊपर एक अपेक्स के पॉइंट पर रेस्ट करते हुए रखे हुए हैं। तो इन कॉनिक सेक्शंस को जब हम एक प्लेन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन काटेंगे तो एक सर्कल मिलेगा, उससे ज्यादा इंक्लिनेशन से काटेंगे तो हमको इलिप्स मिलेगा, और अगर पैरेलल टू जनरेटर से हम लोग काटेंगे उस प्लेन को रखकर तो पैराबोला मिलेगा, और अगर उससे ज्यादा एंगल हम लोग बना देते हैं तो हमको हाइपरबोला मिलेगा। तो एक बार आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ये हम लोगों को मिल जाता है सर्कल, देन हम लोगों को मिल जाता है इलिप्स, देन हम लोगों को मिल जाता है पैराबोला, देन हम लोगों को मिल जाता है हाइपरबोला, और ट्रायंगल्स मिलते हैं अगर हम लोग इस तरह से काटेंगे तो, और हमको मिलती है लाइन। तो इलिप्स का जो है आपका एसेंट्रिसिटी है लेस देन वन, पैराबोला का एसेंट्रिसिटी है 1, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1, फिर हमको ट्रायंगल्स मिलते हैं अगर हम बिल्कुल अपेक्स जो पॉइंट्स हैं दोनों उनसे ज्वाइन करता हुआ काट देते हैं तो, और अगर हम लोग सीधा काट देते हैं तो लाइन मिलती है। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर एक कर्व से काट रहे हैं इस कोन को तो हमको मिलते हैं हाइपरबोलास, और वो अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो वो कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एनिमेशन है जो इस एनिमेशन से देख सकते हैं आप साफ तौर पर, ये सर्कल है, कहीं भी काटिए अगर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा, ये लाइन मिलेगा इस तरह से। अगर अपेक्स से काट रहे हैं तो सीधा स्ट्रेट लाइंस मिलेगा, अपेक्स से पास हो रहा है ये प्लेन, और अपेक्स से दूर जैसे ही जाएगा तो आपको हाइपरबोलास मिलेंगे। ये देखिए ये हाइपरबोलास हैं, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला हो गए, और जैसे ही ये सारे जनरेटर्स को काटने लगता है तब ये हो जाता है इलिप्स। अब ये सारे जनरेटर्स को काट रहा है इसलिए इलिप्स, और ये सर्कल। एक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि कॉनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग मेंटेनिंग अ रेशियो बिटवीन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। उस चीज को एनिमेशन से दिखाया है। यहां पर एक जो लाइन है आपकी डायरेक्ट्रिक्स और एक जो फोकस है उससे रेशियो बराबर बनाकर ये मूव कर रहा है। अभी इक्वल डिस्टेंस पे मूव कर रहा है तो ये पैराबोला जनरेट हो रहा है, और अगर आप एक फोकस से पास होती हुई लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर बना देते हैं तो वो आपकी कहलाती है एक्सिस, और कर्व जहां पर एक्सिस को काटता है वो पॉइंट आपका कहलाता है वर्टेक्स। अभी एसेंट्रिसिटी अगर आप जीरो से बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको वन पर एक पैराबोला मिलेगा, और वन से जब वो बड़ी हो जाएगी तो आपको हाइपरबोला मिलेंगे, ये हाइपरबोला है। अभी देखिए आप एसेंट्रिसिटी को आप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो ये इलिप्स है, और जैसे ही वन होता है तो ये पैराबोलिक लाइन को टच करेगा, बहुत छोटे समय के लिए करता है टच, और फिर उसके बाद अगर वन से बड़ा हो जाता है तो हाइपरबोला हो जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका पैराबोला है जहां पर एसेंट्रिसिटी वन है, ओके वो पैराबोला है। एसेंट्रिसिटी आप बढ़ा रहे हैं जीरो से, थोड़ा जीरो के करीब होता है तो इलिप्स होता है, और वन के जैसे जैसे पास जाता जाएगा तो पैराबोलिक बनता जाएगा और फिर हाइपरबोला। इस तरह से एसेंट्रिसिटी से जनरेट होता है एक कर्व का, कॉनिक सेक्शंस का। एक लाइन अगर हम मूव करें इस तरह से अटैच करके किसी पॉइंट से, और दूसरा पॉइंट उसका सर्कुलर फैशन में मूव हो रहा है, तो जो जनरेट होगा वो होगा हाइपरबोला। इलिप्स का एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि जो भी प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिट जो होता है वो इलिप्टिकल होता है, और सन जो होता है वो उसके एक फोकस पर होता है, ओके। इसेंट्रिसिटी अगर बढ़ाते जाएंगे आप, ये लाइन ऑफ इसेंट्रिसिटी है रेड वाला, तो इलिप्स से पैराबोला देन हाइपरबोला इस तरह से आप अचीव कर सकते हैं। इलिप्स किस तरह से डिजाइन करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। इलिप्स का कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने चार मेथड्स देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं उसको एनिमेशन से तो हमको क्लैरिटी आ जाएगी। एक मेथड हम लोगों ने देखा था आर्क ऑफ सर्कल मेथड, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। अगर आपको घर पे इलिप्स को बनाना है तो आप क्या करिए कि एक थ्रेड लीजिए जिसका कि डिस्टेंस रहेगा मेजर एक्सिस के बराबर, 2a के बराबर, तो ये थ्रेड को आप दो जगह पे टाई कर दीजिए जो आपके फोकस होने वाले हैं इलिप्स के, और उस थ्रेड में एक पेंसिल का निब लीजिए फंसा कर उसको चारों साइड रोटेट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, चारों साइड जब आप रोटेट कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा इलिप्स, ये आपने इलिप्स बना दिया, ओके। तो a प्लस बी जो है आपका मेजर एक्सिस है, a प्लस बी इज गोइंग टू बी योर मेजर एक्सिस। ये इस तरह से हम लोग एक एनिमेशन से समझ सकते हैं कि कैसे इलिप्स का फॉर्मेशन हुआ। ये थ्रेड हम लोग मूव कर रहे हैं और इलिप्स का जनरेशन हो रहा है। यहां पर हम लोगों ने अपना पिन लगा रखा है, पैन लगा रखा है इस थ्रेड के यहां पर, और ये जो पैन हम लोग जब मूव कर रहे हैं तो एक इलिप्स का जनरेशन हो रहा है।
तो फ्रेंड्स, इस एनिमेशन से हम आराम से देख सकते हैं कि अगर किसी कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस बनाया जाए तो उस लोकस को हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने एक इलिप्स का प्लॉट किया है। अब इलिप्स का जब हमने प्लॉट किया है तो जिस तरह से हमने इलिप्स का प्लॉट किया उस तरह से हम किसी भी कर्व का प्लॉट कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का है ये इसका इलिप्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस आया। इस पॉइंट पर जब ये कर्व है तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस पॉइंट पर जब है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस तरह से ये रेड वाला जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का लोकस बना रहा है अलग अलग पॉइंट्स पर। और ये जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन कर देते हैं सभी जगह के तो वो एक कर्व जनरेट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड इवोल्यूट। तो ये जो कर्व है वो इवोल्यूट कहलाता है। हर कर्व का हम इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ा स्मूथनेस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हम अचीव कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर है तो उसके जो कॉर्नर्स होंगे उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, बट जो भी एक कर्व है जिसमें कर्वेचर है तो उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हम अचीव कर सकते हैं। फिर अगर आप किसी भी कर्व पर हर पॉइंट पर उसके नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो वो नॉर्मल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकलने वाले हैं। जैसे सेंटर होता है, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से पास करता है, इसी तरह से उस कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर्स से पास होने वाले सभी नॉर्मल्स भी जो हैं इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। और उनका अगर एक एनवलप बनाए, ये जो एनवलप तैयार हो रहा है इसमें वो भी इवोल्यूट है और वो सेम इवोल्यूट है जो आपने पहले प्रिपेयर किया था। दिस इज ऑल्सो एन इवोल्यूट एंड द सेम इवोल्यूट जो कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के लोकस से बनाया था, जो आपने यहाँ पर बनाया था ये वही इवोल्यूट उसी तरह का डिज़ाइन हो रहा है। तो इवोल्यूट्स की हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, एक तो वो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है, और सेकेंडली अगर हम किसी हर पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ कर दें उस कर्व का तो उनका नॉर्मल्स का जो एक एनवलप होगा वो भी एक इवोल्यूट होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हाइपोसाइक्लॉइड का जो डेफिनेशन है मीन्स एक डायरेक्टिंग सर्कल होगा, डायरेक्टिंग सर्कल के भीतर एक जनरेटिंग सर्कल होगा जो मूव कर रहा है और विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला पॉइंट है वो कहीं पर भी स्लिप नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी इसके साथ मूव कर रहा है, द सर्कल इज नॉट स्लिपिंग। ओके, फिर अगर इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट है जैसे कि ये ब्लू वाला पॉइंट है, अगर इस पॉइंट का हम लोग लोकस ड्रॉ करें तो ये जैसे ये लोकस ड्रॉ हो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है ये जो लोकस है, वैसे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है पर बाय डेफिनेशन दिस इज ऑल्सो एन हाइपोसाइक्लॉइड। ओके, तो हाइपोसाइक्लॉइड इस तरह का तब बनेगा जब ये रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल का जो हमारा डायरेक्टिंग सर्कल है उसका रेडियस छोटे वाले सर्कल से जस्ट डबल है। ओके, अगर इसका आर है तो बड़े वाले सर्कल का 2R होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था ESC 2017 में, इफ द रेडियस ऑफ ए जनरेटिंग सर्कल विच इज मूविंग इनसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल इज हाफ द रेडियस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल इज, तो आंसर वॉज स्ट्रेट लाइन। और यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और मान लीजिए अगर एक इन्फीरियर हाइपोसाइक्लॉइड है जो कि ये रेड वाला पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है और ये इस तरह से मूव कर रहा है इसलिए हम इसको इन्फीरियर हाइपोसाइक्लॉइड बोलते हैं, और ये जो ये वाला जो ग्रीन कलर का है ये भी एक इन्फीरियर हाइपोसाइक्लॉइड है, ये दोनों इलिप्स फॉर्मेशन है और ये भी एक इन्फीरियर हाइपोसाइक्लॉइड है। तो ये वेरी स्पेसिफिक केसेस हैं जहां से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान रखिए कि अगर किसी सर्कल के भीतर में एक पॉइंट है और आप एक इन्फीरियर हाइपोसाइक्लॉइड बना रहे हैं तो इट विल टेक द शेप ऑफ एन इलिप्स, पर ये जो सर्कल है आपका डायरेक्टिंग सर्कल उसका रेडियस जो है जनरेटिंग सर्कल से डबल होना चाहिए इस केस में। ओके, एक एक्स वाई प्लेन में एक रेडियल वेक्टर घूम रहा है और इस पूरे के पूरे कर्व का मोशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है, तब ये जो कर्व हमारा जनरेट होगा वो कहलाता है हमारा हेलिक्स। तो जैसा कि हमारा अगर मान लीजिए कहीं पर स्पाइरल स्टेयर बोलते हैं जिसको हम, वो है तो वो एक हेलिकल शेप में होता है, उस शेप को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्नियर स्केल क्या है। जहां प्लेन स्केल में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम 1 मीटर के स्केल पे
डेसीमीटर्स तक मेजर कर सकते हैं, जैसे कि 1 decimeter इज इक्वल टू 10 centimeters, तो हम लोग अगर यहां तक मेजर करेंगे तो हमारा 10 centimeter हो जाएगा, यहां तक 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter, इस तरह से सारे 100 centimeters तक हम लोग मेजर कर सकते थे। लेकिन अगर हमको कोई बीच वाली वैल्यू चाहिए, मान लीजिए हमको 55 centimeter चाहिए या 64 centimeter चाहिए, तो वो प्लेन स्केल में पॉसिबल नहीं था। अब इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। वर्नियर स्केल में हमारे पास एक और स्केल हम लोग यूज करते हैं जो सेम टाइप का स्केल है, हमने उसको पैरेलल रखा, और लेकिन एक चेंज हम करते हैं कि हम उसकी जो स्केल है उसको 9th सब डिवीजन तक ले आते हैं। अब हम जब इसको रिड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पर था एक्चुअली ये, अगर सेम स्केल है तो अगर हमने इसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस किया तो सारी की सारी हमारी जो सब डिवीजन्स हैं वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाती हैं। प्रोपोर्शनली रिड्यूस होकर हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, अगर हम सेंटीमीटर्स में देखें तो ये जीरो तो हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, लेकिन ये जो 10 centimeters थे पहले, ये 1 decimeter इज इक्वल टू 10 centimeter, 10 centimeter अब हमारा 1 centimeter कम हो गया है, 9 centimeter हो गया है, 20 centimeter हमारा कम होके 18 centimeter हो गया है, 30 centimeter हमारा रिड्यूस हो गया 27 centimeters हो गया है, इसी तरह से 36 पे आ गया है, 50 centimeter 45 centimeters इंडिकेट कर रहा है अभी, और 60 centimeters 54, कंटिन्यूसली हमारा लास्ट वाला जो है 90 centimeters वो यहाँ पर आ चुका है। और इसके आगे की वैल्यूज को हम मेन स्केल में मेजर कर सकते हैं। आप इस स्केल को यूज करके हम अपनी सारी की सारी जो वैल्यूज हैं उन मेजर कर सकते हैं। अगर हमको 1 centimeter चाहिए तो हम 81 से ले लेते हैं, 2 centimeter 72 से मिल जाता है हमको, 3 centimeter 63 से मिल जाता है, 4 centimeter 54 से, 5 centimeter 45 से, इस तरह से हमको सारी की सारी सेंटीमीटर्स की रीडिंग यहीं से मिल जाएंगे। हम लोग देखेंगे जब मेजरमेंट देखेंगे कि किस तरह से इसको यूज करना है। पहले हम लोग देखते हैं कि वर्नियर स्केल की टाइप्स क्या क्या है। तो 2 type के वर्नियर स्केल्स हैं हमारे, एक तो है हमारा फॉरवर्ड वर्नियर स्केल और एक है हमारा बैकवर्ड वर्नियर स्केल। फॉरवर्ड वर्नियर स्केल में जैसा कि हमने अभी देखा, हम इस रीडिंग को 10 subdivisions को रिड्यूस करके 9 subdivisions पे ले आते हैं। ये जो 10 subdivisions था, इस स्केल को हमने रिड्यूस करके 9th subdivision से मैच कर दिया है, तो हमारा जो रीडिंग्स आ जाता है वो 0, 9, 18, 27 इस तरह के सेंटीमीटर्स हमको मिल जाते हैं, और हम इस स्केल को यूज करके फिर जो भी हमको मेजर करना है वो मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 centimeter इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 1 centimeter, और ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 और 81 के बीच का डिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज इन डेसीमीटर सो दिस इज 80, तो 80 और 81 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 centimeter है, और 1 centimeter जो है इट इज द लीस्ट काउंट। हम लोग इस स्केल से जो सबसे छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं दैट इज 1 centimeter, इसलिए ये कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड स्केल। अगर हमने यहाँ पर जो MSD है, मेन स्केल डिवीजन जो 10 centimeters की थी, और वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल की डिवीजन 9 centimeters के हैं, 81 से 90 मतलब 9 centimeters, तो क्योंकि MSD इज ग्रेटर देन VSD, दैट्स व्हाई दिस स्केल इज कॉल्ड फॉरवर्ड वर्नियर स्केल। ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड वर्नियर स्केल। और हम देख लेते हैं कि बैकवर्ड वर्नियर स्केल क्या है। बैकवर्ड वर्नियर स्केल में आप क्या करते हैं कि ये जो 10 centimeters वाला था, इसको जब ये ऑरिजिनली था यहां पर था, अब हमने इसमें एक डिवीजन और एड किया मेन स्केल में, और इसको अगली डिवीजन से मैच कर दिया। अब ये हो गया हमारा बैकवर्ड वर्नियर स्केल। और इसकी अगर हम सेंटीमीटर रीडिंग्स देखें तो ये 0 तो हमारा मैचिंग है, और ये 1 centimeter से बढ़ गया है, तो ये हमारा 11 centimeters आ गया, ये 22 centimeters आ गया, ये 33 centimeters, ये 44 centimeter, 55, 66, 77, 88 और 99। तो हमको अगर 1 centimeter मेजर करना है तो हम ये 1 से 11 का डिस्टेंस जो है 1 centimeter होता है, 2 से 22 के बीच का डिस्टेंस हमारा 2 centimeter मिल गया, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter और 9 centimeter, सारे के सारे सेंटीमीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसको यूज करके अब हम जो भी रीडिंग मेजर करना चाहें हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल का कॉन्सेप्ट। सिमिलर लाइंस पे हम लोग एक और स्केल यूज करते हैं नॉर्मली, जो कहलाता है हमारा डायगोनल स्केल। आइए हम लोग देखते हैं डायगोनल स्केल का क्या कॉन्सेप्ट है। ये हमारा जो नॉर्मल स्केल था प्लेन स्केल, उसमें हमारे पास 1 meter का एक स्केल हुआ करता था, और 1 meter के स्केल में हम लोगों ने डेसीमीटर्स को मार्क कर रखा था, लेकिन हम डेसीमीटर से आगे इससे मेजर नहीं कर सकते थे। इस डिसएडवांटेज को यूज करने के लिए हम लोगों ने वर्नियर स्केल यूज किया। और सिमिलरली अगर इसी डिसएडवांटेज को हम डायगोनल स्केल से रिजोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। डायगोनल स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह की सेम 10 scales और बना देते हैं। ये हमने 10 scales और बना दिए हैं, और इन स्केल्स को अब हम
यूज़ करेंगे, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 1 सेंटीमीटर मेज़र कर सकें। इससे अभी हम लोग 10 सेंटीमीटर्स तक ही मेज़र कर सकते हैं। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को मेज़र करना है अगर हमको, तो व्हाट वी डू, हम इस तरह की कुछ लाइंस बना देते हैं। अब इन लाइंस को, क्योंकि ये लीनियरली कनेक्ट कर रही हैं फर्स्ट पॉइंट को इधर लास्ट पॉइंट से, तो ये इनमें लीनियर इंक्रीमेंट होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप चले, यहाँ से यहाँ तक इसको 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होना है, तो ये 10 सेंटीमीटर स्टेप्स में इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, यहाँ 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गया। तो अगर हमको 1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो हम यहां पर मेजर कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर हमको 1.1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करेंगे, तो वो हमारा 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली हमको जो भी रीडिंग मेजर करना है हम इस स्केल पे मेजर कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है डायगोनल स्केल का। और अगर हमको और डिटेल में देखना है तो इसको अगर आप एक यूनिट को आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, जैसे ये 10 पार्ट्स में आपने यहां से यहां तक जोड़ा, तो ये बिल्कुल बराबर से एक एक सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आ रहा है इसमें। यहां 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आया, फिर 2 सेंटीमीटर्स पे पहुंच गया, 3 सेंटीमीटर्स पे पहुंचा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो ये 10 सेंटीमीटर्स तक इस तरह से पहुंच जाता है। तो ये आपका जो स्केल था, फिर से आप देख लीजिए इसको, डायगोनल स्केल में हम लोग 10 नॉर्मल स्केल्स को एक के ऊपर एक रखकर और तब हम इसमें डायगनल्स प्लॉट कर देते हैं, और इस स्केल की यूज करके हम लोग जो भी मेजरमेंट्स हमारे हैं 1 सेंटीमीटर तक हम लोग रीच कर सकते हैं। तो जैसा कि वर्नियर स्केल से हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर अचीव किया था, सिमिलरली डायगनल स्केल से भी हम लोग 1 सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एनिमेशन के साथ हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो क्वेश्चन प्रोबेबल हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को समझने का सबसे अच्छा मीडियम एनिमेशन ही हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप सारा का सारा कोर्स मटेरियल चाहते हैं तो द कोर्स मटेरियल इज रेडी विथ अस। यू कैन प्लीज कम ऑन rcaonline.in और वहां पर आपको सारे कोर्स मटेरियल की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।